है विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म सनक का पोस्टर। क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें, कौन इसे डायरेक्ट करने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल ने अपनी आने वाली इमोशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म सनक का जबरदस्त पोस्टर जारी किया है। फिल्म के पोस्टर को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि विद्युत जामवाल के भी बहुत सारे फैंस हैं जो कि उन्हें पर्दे पर देखना चाहते हैं। पोस्टर शेयर करते हुए अभिनेता ने ये भी जानकारी दी है कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपको बता दें, विद्युत जामवाल ने पोस्टर शेयर करते हुए ट्वीट किया है, अपने आप को संभालो, कल कुछ बड़ा आने वाला है, अब सनकेगी। पोस्टर देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है, और उस पोस्टर में दिख रहा है कि एक स्ट्रेचर है जिसमें खून के धब्बे हैं, साथ ही हाथ दिख रहा है जिसमें कि बंदूक दिखाई दे रही है। पोस्टर देखने के बाद फैंस ने एक्टर से रिक्वेस्ट की है कि इस फिल्म को वो OTT पर रिलीज ना करें, क्योंकि जो विद्युत जामवाल की लगातार फिल्में रिलीज हुई हैं, खुदा हाफिज़, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं, और फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर एक्शन करते हुए देखना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को तो थिएटर में ही रिलीज़ कीजिएगा। आपको बता दें, इस फिल्म को कनिष्क वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में विद्युत जामवाल का एकदम अलग अवतार देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए विद्युत जामवाल और विपुल शाह ने एक बार फिर से हाथ मिलाया है। विद्युत और विपुल सनक से पहले फोर्स और कमांडो सीरीज में भी काम कर चुके हैं। फिल्म में विद्युत जामवाल के साथ पहली बार बंगाली एक्ट्रेस रुक्मणी मैत्रा नजर आने वाली है। रुक्मणी इसी फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। तो दोस्तों, विद्युत जामवाल एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है, लेकिन अभी इससे पर्दा नहीं हटाया गया है कि इसे OTT पर रिलीज करना है या कि थिएटर में। आप क्या चाहते हैं, विद्युत की फिल्मों को थिएटर में देखना चाहते हैं, और कितना इंतज़ार है आपको सनक का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।